हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और मैं हूं अभी मुंबई के दादर एरिया में, और ये दादर ईस्ट का एरिया है। दादर ईस्ट मीन्स ये फाई गार्डन है, ये पारसी कॉलोनी है। यहाँ पे 95% पारसी रहते हैं और 5% में गुजराती लोग रहते हैं, और काफ़ी शांत है। और फाई गार्डन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे 5 गार्डन है, इसलिए इसका नाम फाई गार्डन रखा हुआ है। बहुत ही शांति है, बट थोड़ा बहुत पारसी लोग यहाँ पे जा बहुत सारे रास्ते गुजरते हैं, इसके लिए थोड़ा हलचल रहती है। सो गाइज, अभी हम चल रहे हैं भिंडी बाजार की तरफ। यहाँ से मैं सीधा बस लूँगा, बस ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अभी रमज़ान का चालू है, तो काफ़ी बेहतरीन लोकेशन वहाँ पे रहेगा, बहुत सारे मार्केटिंग चालू रहती है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, मैं सोच रहा हूँ कि बस लूँ, बस ज़्यादा बेटर रहेगा, तो बस लेके चलते हैं भिंडी बाजार। पहुंच गए हैं भिंडी बाजार और काफ़ी ट्रैफिक है और चलना मुश्किल है, इसके लिए बस मुझे पावर पहले ही छोड़ना पड़ा। और ट्रैफिक की हालत में है क्योंकि ये रमज़ान चालू है, इसके लिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देखो सिग्नल, ये पूरा सामने देखो पूरा जैम है। आधा घंटा से मैं एक ही जहाँ खड़ा था, इसके लिए बस छोड़ना पड़ा थोड़ा पहले ही। अब भिंडी बाजार में गर्दी बहुत ज़्यादा है आज, इस देखिए सब रमज़ान की वजह से सब यहाँ पर मिठाई उठाई की शॉप्स लगी हुई है। और गर्दी इसलिए क्योंकि अभी ईद आ गई है, ईद आने वाली है, मतलब रमज़ान चालू है, सब शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए पूरे मुंबई से पब्लिक यहाँ पे आती है, इसके लिए इतनी ज़्यादा गर्दी है। वैसे नॉर्मली तो गर्दी रहती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं रहती जितना आज है। और मैंने करीब 10 मिनट पहले ही मैंने बस छोड़ दिया क्योंकि बहुत टाइम वेट करने के बाद बस जो है मूव नहीं हो रही थी आगे की तरफ, तो मैंने बस छोड़ दिया। मैंने सोचा कि वॉकिंग करना ही, पैदल चल के जाना ही बेटर रहेगा, तो मैं अभी पैदल ही चल के जा रहा हूँ आगे की तरफ, क्योंकि मूव करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं सारी गाड़ियां खड़ी है, इतने टाइम से कम आधा घंटे से एक ही जहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मैं बस को छोड़ दिया वहीं पे। तो गाइस गर्दी देखिए, अभी ईद की गर्दी है, सब ईद की शॉपिंग चालू है। ये सिर्फ ईद के टाइम में ये सब जो छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं, सिर्फ ईद के टाइम ही लगते हैं। अभी जब तक रमज़ान रहेगा जब तक ये रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। गर्दी देखिए, अभी ये गर्दी कम है, जैसे इफ्तार ख़त्म होगा ना, लोग रोज़ा खोलने के बाद जब जो गर्दी पब्लिक आएगी, अभी कुछ कुछ जो स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पे, बाकड़े लगा रहे हैं, तो अभी इसके लिए गर्दी कम है। जैसे ही इफ्तार ख़त्म होगी इतनी ज़्यादा गर्दी होगी कि चलने का रास्ता नहीं रहेगा, पूरा पैक हो जाएगा। जो गाड़ी चल रही है थोड़ा बहुत खाली रास्ता है, वो भी बंद हो जाएगा, गाड़ी मूव नहीं होगी बिल्कुल। गाइस ये है सुलेमान उस्मान बेकरी और बहुत ही फेमस है, 167 इनके ब्रांच है पूरे इंडिया में, अलग अलग शहर में, अलग अलग सिटीज़ में। और गर्दी देखिए कितनी है, गर्दी तो बहुत ज़्यादा है। अभी देखो धीरे धीरे जैसे अफ्तारी के टाइम होगी तो और भी गर्दी हो जाएगी। बस थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्सल का बहुत ज़्यादा है। ये बेकरी है, जो चाचा बना रहे हैं वो माल पोहा बोलते हैं उसको, और बहुत ही फेमस है, इनका मेन ब्रांच है जो इंडिया में, ये सबसे पहला ब्रांच था इनका। तो गाइस अभी जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड अपने खाऊ गली, और मैं आया था करीब 6 बजे के आसपास, बट उतने टाइम अफ्तारी का था तो इसके लिए मैंने वीडियो बना नहीं पाया। और वो टाइम कैसा रहता है कि ज़्यादा करके अफ्तारी का रहता है, उतनी गर्दी नहीं रहती है, इसके लिए मैं वो टाइम वीडियो बनाया नहीं। अभी अराउंड बज रहे हैं 9, करीब मैं 3 घंटा वेट किया हूँ, अभी वापस जा रहा हूँ। मैं मस्जिद बंदर स्टेशन के पास में आ गया था, अभी वो तरफ जा रहा हूँ, देखना है कि अभी कितनी गर्दी है, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अभी यहाँ से चलते करीब मैं 10 मिनट के वॉकिंग दूरी पे आ गया था, वापस जा रहा हूँ वहाँ पे, बट यहाँ पे भी काफ़ी गर्दी है क्योंकि ये स्टेशन वाला रास्ता है और ये हमेशा गर्दी रहती है, ऐसी गर्दी रहती है, यहाँ की गर्दी कम नहीं होती है। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं, क्योंकि आवाज़ तो वहाँ से बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेगी। और गाइस अभी हम आ गए हैं, ये है ज़करिया मस्जिद है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी पुरानी मस्जिद है, ये मीनारा मस्जिद के बाद इसका ही नाम है, और उससे थोड़ी सी छोटी है बट मीनारा मस्जिद इससे भी बड़ी है। और ये गर्दी देखिए, ये रोज़ का गर्दी है, ऐसा रमज़ान में तो और भी गर्दी है थोड़ा, इससे थोड़ा बाकी टाइम में तो कम रहती है, बट आज देख लीजिए क्योंकि रमज़ान चल रहा है और मार्केटिंग एरिया है पूरा, जो भिंडी बाजार है यहाँ पूरे मुंबई से लोग यहाँ पर आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, लेडीज़ और जेंट्स सबका है। और गर्दी देख लीजिए, और ये मुंबई से भी आते हैं, कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, जैसे पूना नासिक वो साइड से भी आते हैं यहाँ पे लोग, सिर्फ मार्केट करने के लिए, ईद की तैयारी के लिए।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही आते हैं, यहाँ नॉन मुस्लिम भी आते हैं, कुछ लोग दूर दूर से आते हैं, खाऊ गली में जो फेमस है मुगलाई चिकन वगैरह उसके लिए भी आते हैं। तो देख लीजिए अभी हम तो वहीं पे जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते, पर रात का टाइम है शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर नहीं दिखे, बट ये गर्दी देख लीजिए, ये सिर्फ शॉपिंग के लिए और खाऊ गली के लिए है। और ये सामने देख लीजिए जय जय फ्लाई ओवर है, अभी हम यहाँ से ये तरफ जाएंगे और यहाँ पे कार मतलब लाना बहुत मुसीबत है, क्योंकि अगर यहाँ पे अंदर कार लेकर आ गए, एक बार फंस गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस आवाज़ बहुत आ रही है, शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़े, इसके लिए वॉइस ओवर करना पड़ेगा, बट गर्दी इतनी ज़्यादा है, हॉर्न इतना ज़्यादा बजा रहे लोग, क्योंकि ट्रैफिक है इसके लिए हॉर्न बहुत बजा रहे हैं आगे मूव होने के लिए। अभी तो मैं जय जय फ्लाई ओवर के नीचे हूँ, बट देखता हूँ अगर आगे पॉसिबल हो सका तो, क्योंकि कितना भी मैं जोर से भी बोलूँगा लेकिन वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा। तो ये जितनी भी ये एरिया जितनी भी जाए, ये लेडीज़ की मार्केट है, ये साइड में जितना भी है सिर्फ लेडीज़ का ही है, और जेंट्स का दूसरी साइड में है, पजामा कुर्ता बाकी जितने भी कपड़े हैं वो सब दूसरी मार्केट में है। मैं जेंट्स का मार्केट और कपड़े की मार्केट और लेडीज़ का कपड़े की मार्केट दूसरे दिन दिखाऊंगा, उसके लिए दिन में आऊंगा, क्योंकि लाइटिंग इतना ज़्यादा है तो उसमें दिखाई नहीं देगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ सबसे पहले खाऊ गली, वहाँ पे बहुत ही रश होगा, बहुत ज़्यादा रश होगा, चलना भी मुश्किल होगा। सुगाई जी है मीनारा मस्जिद, यहाँ से सीधा आउट गेट है, ये पीछे गेट रोड पूरा बंद करके रखे, एक साइड से एंट्री करके रखे हैं और एक साइड से आओ बाहर निकलने के लिए, ये साइड से आउट गेट था। अभी मैं जा रहा हूँ एंट्री करने के लिए, गर्दी इतनी ज़्यादा है अंदर जाने के लिए भी मुसीबत है। और ये देख लीजिए भाई पुलिस वाले बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं ट्रैफिक को, पब्लिक को भी मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक को भी मैनेज कर रहे हैं। अभी यहाँ से देखो एंट्री करेंगे हम लोग, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट आवाज़ सुनाई नहीं देगी आप लोगों को, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ है, फिर भी धीरे धीरे जा रहे हैं, गर्दी तो बहुत ज़्यादा है, चलना ही मुश्किल है। ये है सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, 1890 में ये स्टार्ट हुआ था, इनका मेन ब्रांच यही है, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग शहर में 167 इनके ब्रांचेस हैं, और ये मीनारा मस्जिद के जस्ट बाजू में है। मोबाइल और पर्स का ख्याल रखिए, चोरों से सावधान रहिए, छोटे बच्चों का ख्याल रखिए। रस्सी लगाओ, रस्सी उठाओ, रस्सी उठाओ, ट्रैफिक छोड़ो। क्या है भैया यहाँ पे? ये खीर है, मालपुआ है। ये है माल पोहा, ये एक स्वीट है और इसको डीप फ्राई किया जाता है, और इसको बनाने के लिए अंडा और बेसन और कुछ चीज़ें ऐड की जाती है। ये डीप फ्राई करने के बाद इसके ऊपर रबड़ी मलाई लगाई जाती है, इसके बाद उसको खाते हैं, क्योंकि उसका ऐड करने के बाद लाजवाब टेस्ट हो जाता है और इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। चिकन पत्थर को आइए।
तो गाई जाते हम आ गए मस्जिद स्टेशन, मस्जिद बंदर बोलते हैं लोग लेकिन इसका नाम है मस्जिद। और ये पूरा स्टेशन खाली है, एकदम बेटर है, कोई लाइन नहीं है, सिर्फ एक दो आदमी है देखो काउंटर पे, हमारा पहले ही नंबर है। तो गाई ट्रेन का ऑप्शन हमारा जो था बेटर था, यहाँ पे खाली है, मतलब गर्दी है बस नॉर्मल है बट बेहतर है। तो अभी लेते हैं यहाँ से ट्रेन, पहुँच जाएंगे 15 से 20 मिनट में।